हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्चुअल बायोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लीवेज इन सी एलिगेंस। मींस सी एलिगेंस के अंदर क्लीवेज कैसे होने वाला है, सेल्स कैसे डिवाइड करेगी। ठीक है, सो सबसे पहले जाइगोट है। ठीक है, आपने को पता है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, मतलब जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो जाइगोट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच सेल डिवाइड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, वो सेल्स कौन सी है। मीन्स आफ्टर जाइगोट जाइगोट क्या बनेगा, देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्मेशन। फर्स्ट इज फाउंडर सेल्स। ठीक है, तो फाउंडर सेल्स इज को क्या बोलते हैं, एबीबी बोलते हैं। ठीक है, देन सेकेंड इज स्टेम सेल। स्टेम सेल मीन्स पी, ये एबी एंड पी सेल्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर फॉर्मेशन। फर्स्ट इज फाउंडर सेल्स, सेकेंड इज स्टेम सेल्स। ठीक है, तो अगर फाउंडर सेल्स की हम बात करें एबी के अंदर, सो इन एबी सेल्स और इन फाउंडर सेल्स देर आर कंडीशनल स्पेसिफिकेशंस, कंडीशनल स्पेसिफिकेशंस अकर्स। ठीक है, देन अगर हम बात करें पी सेल्स के अंदर, इन ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशंस ऑफ सेल्स डिवीजन अकर। ठीक है, तो ऑटोनोमस किसके अंदर होगा, स्पेसिफिकेशन इन पी सेल। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि स्टेम सेल्स के अंदर। ठीक है, देन क्या है, देन दीज फाउंडर सेल्स आर अगेन डिवाइडेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। दीज सेल्स आर ए बी एंटीरियर, ए बी ए मीन्स ए बी एंटीरियर, ए बी पोस्टीरियर। ए बी एंटीरियर मेक्स द सेल्स ऑफ फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस एंड न्यूरोन्स। ओके, देन पोस्टीरियर, ए बी पोस्टीरियर क्या बनाएगा, ए बी पोस्टीरियर मेक्स द हाइपोडर्मिस एंड न्यूरोन्स। ठीक है, द डिफरेंस इन बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इज ओनली द फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स के अंदर जो क्या होगा, मतलब एंटीरियर के अंदर क्या बनेगा, फेरिंग्स बनेगा। तो ये फेरिंग्स जो बनेगा ये कौन सा होगा, एंटीरियर, एंटीरियर फेरिंग्स होगा। ठीक है, देन ये तो हो गया, ये क्या है अपने पास, जो ए बी, ठीक है, जो क्या है, ए बी सेल्स की डिवीजन हुई है। ठीक है, देन पी, जो पी स्टेम सेल्स हैं वो स्टेम सेल्स किसके अंदर कन्वर्ट होगी, देखो। ठीक है, तो ये हमने बोल दिया कि ये पी जो सेल है, पी वन सेल है, पी वन सेल गेट्स कन्वर्ट इनटू ईएमएस। ठीक है, ईएमएस एंड पी टू सेल्स। ओके, अगर ईएमएस सेल्स क्या, देन अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू एमएस एंड ई सेल्स, ई सेल्स, देन पी टू कन्वर्ट इनटू सी एंड पी थ्री। ओके, एमएस जो है वो किस कौन से सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, मसल सेल्स, देन फेरिंग्स एंड गोनेड्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, एमएस मेक्स मसल्स, फेरिंग्स एंड गोनेड। देन ई, ई में मींस इंटेस्टाइन, तो इजीली याद हो जाएगा, ई से तो इंटेस्टाइन बनेगा। ठीक है, देन क्या मतलब, पी सेल्स, ईएमएस, एम एस एंड ई। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना एक एक चीज़ को। ठीक है, देन पी टू, पी टू से क्या बनेगा, सी एंड पी थ्री। देन सी क्या बनाएगा, मसल्स। ओके, मसल्स सेल्स बनाने वाला है। ठीक है, हाइपोडर्मिक्स वन न्यूरोन्स। ठीक है, देन पी थ्री, जो मेसोडर्म जो है वो क्या बनाएगा, मेसोडर्म के अंदर जो सेल्स हैं, मेसोडर्मल सेल्स होगी, जो क्या होगी मेरे पास, क्या है, मसल सेल्स हैं। ठीक है, देन क्या है, पी थ्री, पी थ्री गेट्स कन्वर्ट इंटू डी एंड पी फोर। तो डी क्या है, कन्वर्ट कौन सी सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे मसल सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। देन पी फोर मेक्स द जर्म लाइन सेल्स। ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज, और बोल सकते हैं कि सेल्स के डिवीजन्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन्स हैं, और कौन सी मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑर्गन्स, या फिर बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की मतलब डिवीजन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, देन क्या है कि मतलब मोड ऑफ एक्शंस, मतलब ईएमएस का अगर हम मोड ऑफ एक्शंस देखें कि कौन सी जो सेल्स है इसको डिटरमाइन करके जाएगी, कौन सी रेगुलेट करके जाएगी, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देन क्या होगा, मोड ऑफ एक्शंस ऑफ ईएमएस, अगर ईएमएस की हम बात करें तो क्या होगा, इट्स डिपेंड ऑन पी टू सेल्स। ठीक है, वो कैसे, अभी एक डायग्राम से हम देख लेते हैं। ये क्या है, ए बी, ए बी, ए बी सेल है, ये है ए बी पोस्टीरियर, ये क्या है, ए बी इंटीरियर, ए बी इंटीरियर। ओके, देन दिस सेल इज P2 सेल, ओके, एंड दिस इज ए ई एम एस। ठीक है, सो दीज फोर सेल्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे P2 सेल्स सेल का रोल जो है, मतलब बोल सकते हैं कि जो स्टेम सेल का रोल है यहाँ पे काफ़ी अहम रोल है P2 सेल का। ठीक है, वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा किसको, ए बी पोस्टीरियर को भी, देन ये किसको रेगुलेट करेगा, ई एम एस को भी। कैसे करेगा, अभी देख लेते हैं, दो मिनट का काम है। ठीक है, सो एक्शंस ऑफ ई एम एस डिपेंड्स ऑन पी टू, मीन्स ये क्या करेगा,
अगर EMS को अगर हम बोल दें कि ये क्या करेगा, EMS सेल को प्रोवाइड करवाएगा सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे P2 सेल का रोल काफ़ी अहम है। वो अहम रोल क्या है वो हम देखने वाले हैं। सो P2 गिव्स द सिग्नल्स टू द EMS सेल, जो क्या है MOM पेप्टाइड, या फिर बोल सकते हैं कि एक टाइप से प्रोटीन रिलीज करेगा। वो प्रोटीन यहाँ पे आके मतलब EMS सेल्स को क्या करेगा, एक सिग्नल प्रोवाइड करवाएगा EMS सेल्स को। देन EMS सेल्स गेट्स डिवाइडेड इनटू MS एंड E, ठीक है। तो क्या बनेगा, मतलब अपने पास क्या बनने वाला है, MS और E सेल्स के अंदर जो मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। देन क्या है, तो MS और E के अंदर जो हम बोल सकते हैं कि जो MS होगा वो क्या बना देगा, मसल्स, फेनिक्स एंड गोनेट एंड देन इंटेस्टाइन। सेकेंड हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ ABP, मतलब इसकी पोस्टीरियर, ABP मतलब पोस्टीरियर एंड की बात करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द P2 सेल्स। कैसे, मतलब P2 मतलब यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है रहेगी कैसे, P2 सेल अगेन रिलीज द प्रोटीन, हम बोल सकते हैं कि वो कौन सा है, APX1, ठीक है। APX1 अगर हम बोले कि ये मान सकते हैं कि ABP मतलब पोस्टीरियर सेल है, यहाँ पे एक मतलब बोल सकते हैं कि रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर P2 सेल्स जो है, अगर मैंने बोल दिया APX जो रिलीज़ करेगा, मीन्स APX जो रिलीज़ करेगा यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो रिसेप्टर का नाम क्या है, ABP के ऊपर जो रिसेप्टर है उसका नाम बोल GLP-1 रिसेप्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। GLP-1 रिसेप्टर के ऊपर जो है यहाँ पे बाइंड करने वाला है क्या, यहाँ पे बाइंड कर गया मेरे पास क्या, मतलब APX प्रोटीन। अगर APX प्रोटीन बाइंड करेगा तभी इट विल गोज फर्दर डिवाइडेड इनटू किसके अंदर, मतलब पोस्टेरियर हाइपोडर्मिस एंड न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये तो क्या था, मतलब ये रेगुलेट करेगा किसको, AB पोस्टीरियर को भी, ठीक है, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। तो मतलब पोस्टीरियर को भी रेगुलेट करके जा रहा है। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे म्यूटेशन हो रहे हैं P2 सेल के अंदर, ठीक है, अगर P2 सेल के अंदर म्यूटेशन हो गया तो ABP जो है, ABP गेट्स कन्वर्टेड इंटू ABA, मतलब बोल सकते हैं कि AB पोस्टीरियर गेट्स कन्वर्ट सेल्स गेट्स कन्वर्ट इंटू ABA, मतलब AB एंटीरियर के अंदर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर ये पोस्टीरियर पार्ट नहीं ना बन के यहाँ पे क्या बन जाएगा, फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस एंड न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। देन कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो इन सेल्स को मतलब एक्टिवेट करके जाते हैं या फिर प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं, mRNA बना के जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज SKN1 प्रोटीन, वो क्या करेगा, मीन्स कंट्रोल द फेट ऑफ EMS, मतलब SKN जो स्किन एक्सेस इसको बोलते हैं प्रोटीन को, ठीक है। ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा किसको, फेट ऑफ EMS को, ठीक है। इसके फेट को, मतलब इसका फेट क्या है, इट विल कन्वर्ट इनटू MS एंड E, ओके। तो क्या है, मतलब अगर मैं बोल दूं कि SKN एबसेंट है तो क्या ये डिवाइड होगा MS एंड E के अंदर, नहीं, ठीक है। तो इट विल नॉट डिवाइड इनटू द MS एंड E। सो अगर हम बोल सकते हैं कि अगर म्यूटेशन हो गया SKN प्रोटीन के अंदर तो क्या बनेगा, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द एनी म्यूटेशन इन SKN1 प्रोटीन, सो क्या करेगा, अपने को पता है कि मसल्स, फेरिंग्स, मतलब MS और E का फॉर्मेशन, सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, तो क्या होगा, वहाँ पे हाइपोडर्मिस सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, हाइपोडर्मिस लेयर बन जाएगी। देन वन अनदर प्रोटीन इज PAL1 प्रोटीन, वर्क एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, जो क्या करेगा कि P2 सेल का फॉर्मेशन करके जाएगा, ठीक है। तो P2 का काफ़ी अहम रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ मसल्स, ओके, ठीक है। मसल का फॉर्मेशन कौन करेगा, P2 करेगा, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि P2 जो रेगुलेट करेगा मसल्स की सेल फॉर्मेशन को, ठीक है। देन क्या है, एक प्रोटीन आता है MEX3 प्रोटीन। MEX3 प्रोटीन क्या करेगा, PAL1 को क्या करता है, PAL1 प्रोटीन को रेगुलेट करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लीवेज ऑफ सी एलिगेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSIR NET, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।